learners, welcome back to my YouTube channel. I'm here with your economics chapter development part 2. Students, I have already uploaded the first part of this chapter on my channel. First you watch that video and only after that you are able to understand what I'm going to teach you today. So guys, are you ready? Let's get started. In our last session, we discussed about the concept of development. और उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए हमने जाना कि कुछ कंट्रीज़ बहुत डेवलप्ड हैं और कुछ लेस डेवलप्ड हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़. इफ़ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कैन मीन वेरियस थिंग्स देन हाउ कैन सम कंट्रीज़ आर कॉमनली कॉल्ड अंडर डेवलप्ड एंड अदर्स डेवलप्ड. लेकिन इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं हमें डिफरेंसेस एज वेल एज सिमिलैरिटीज दोनों मिलती हैं. तो हम अपने कंपैरिजन के लिए कौन सा एस्पेक्ट यूज़ करें, इसे और बेटर तरीके से समझने के लिए हम आपकी क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, हाइट में, हेल्थ, इंटरेस्ट या टैलेंट को लेकर. द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास मे नॉट बी द मोस्ट इंटेलिजेंट वन एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट और स्टूडियस स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन. देन हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स. यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि क्राइटेरिया देखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंपैरिजन हम किस पर्पज के लिए कर रहे हैं. हमें कोई डिबेट टीम सेलेक्ट करनी है, स्पोर्ट्स टीम सेलेक्ट करनी है, कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज करना है, तब हम उसके आधार पर कंपैरिजन करते हैं. जनरली जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं तो वो हो सकता है कि स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन के बेस्ड पे, फ्रेंडलीनेस के बेस पे, या जो आपने एग्ज़ाम में मार्क्स स्क्योर किए हैं उनके बेस पे, या क्रिएटिविटी के बेस पे. सेम थिंग स्टूडेंट्स, हम जब डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं जैसे आपकी क्लास के स्टूडेंट को करते हैं, तो वैसे ही उन कंट्रीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया चुना और वो है इनकम. जिस कंट्री के पास ज़्यादा इनकम है इट मीन्स वो मोर डेवलप्ड है, और जिस कंट्री के पास लेस इनकम है इट मीन्स वो लेस डेवलप्ड है. बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. लेकिन अभी मैप देखिए, हाउ कलरफुल इट वॉज. मैं आपको कलर्स नहीं दिखा रही हूँ, आप ये देखिए कि ये जो कलर हैं ये उस कंट्री के साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हेयर यू कैन सी द रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. ये साइज़ दिखा रहा है, ये कलर्स दिखा रहे हैं कि वो देश कितना बड़ा है और कितना छोटा है. और इस वर्ल्ड के मैप में आप देख पा रहे होंगे कुछ कंट्रीज़ साइज़ में बहुत बड़े हैं, इट मीन्स वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, और कुछ कंट्रीज़ बिल्कुल ही छोटे हैं जहाँ पर बिल्कुल थोड़ी पॉपुलेशन रहती है. इट मीन्स जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी. एक फैमिली जिसमें 200 मेंबर रहते हैं और एक फैमिली जिसमें 10 ही मेंबर रहते हैं, तो यदि हम हर पर्सन की इनकम को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो कौन सी इनकम ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली 200 वाली. तो जिसका साइज़ बड़ा है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स ज़्यादा इनकम, लेस एरिया मीन्स लेस पॉपुलेशन मीन्स लेस डेवलप. ये तो कोई बात नहीं हुई. इनकम ही ये डिसाइड नहीं करती है कि कौन सा
कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा लेस डेवलप्ड है। जापान एक मॉडर्न डेवलप्ड सिटी में से आता है, और जबकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जबकि ये साइज में बड़ा है। इट मीन्स हमारा इनकम वाला जो क्राइटेरिया था वो फेल हो गया। अब मुझे बताइए कि जो इनकम का हमने क्राइटेरिया चुना था वो सक्सेसफुल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तब हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए अपने क्राइटेरिया के लिए, वो था पर कैपिटा इनकम। एवरेज निकालते हो ना आप मैथ्स में, 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और उनकी एज का एवरेज कैसे निकालेंगे? हर स्टूडेंट की एज को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 40 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। सेम वही एवरेज जो आप मैथमेटिक्स में एवरेज बोलते हो, हम अपनी इकोनॉमिक्स में उसको पर कैपिटा बोलते हैं। पर मीन्स बाय मीन्स ऑफ, और हेड मीन्स पर हेड, यानी एक व्यक्ति कितने सोर्सेज का यूज़ करके इनकम लेकर आ रहा है। आप इसको एवरेज ही मानिए, पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम, मीन्स उस नेशन के अंदर जितने सिटीजन रहते हैं सबकी इनकम को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है उसे डिवाइड कर देंगे। है ना बिल्कुल सिंपल। अब आपके दिमाग में आया होगा कि नेशनल इनकम क्या है। एक्चुअली नेशनल इनकम एक साल के अंदर एक कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी मोनेटरी वैल्यू होती है। मोनेटरी मीन्स मनी फॉर्म में, पैसे के रूप में, कैश में, ठीक है। नेशनल इनकम इज द मोनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर इंक्लूडिंग इनकम डेरिव्ड फ्रॉम अब्रॉड। इसके अंदर दूसरे देश से आने वाली, यानी कि दूसरे देश में हमारे जो सिटीजन्स हैं वहाँ से जो इनकम कमा कर ला रहे हैं वो भी इंक्लूड होती है। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। अब डेफिनेशन आपने समझ ली। उस नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम को समझना। पर कैपिटा इनकम हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसा कि डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से मतलब होता है घरेलू, यानी कि एक देश की बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी वैल्यू। फॉर्मूला है वाई, वाई मीन्स जीडीपी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स में से एम माइनस करेंगे उसकी वैल्यू। अब वाई क्या है? नेशनल इनकम यानी जीडीपी। वाई है कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कंज्यूमर्स ने जितने पैसे खर्च कर दिए, इन्वेस्ट, जितने पैसे इन्वेस्ट किए। जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने जितने पैसे स्पेंड किए। एक्स फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर इम्पोर्ट। हमने जितना माल दूसरे देशों को बेचा उसमें से जितना माल हमने दूसरे देशों से खरीदा उसको माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो इसमें प्लस हो जाएगी। इट इज़ द जीडीपी, यानी एक देश के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मोनेटरी वैल्यू, उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब जीएनपी का बहुत बड़ा फॉर्मूला है, आप इसको याद करने की बजाय सिंपल इतना याद रखिए, जीडीपी में जेड और जोड़ देंगे तो जीएनपी आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जेड क्या है? जेड है नेट इनकम, नेट इनकम इनफ्लोज फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम आउटफ्लोज टू फॉरेन कंट्रीज, यानी कि वो नेट इनकम जो दूसरे देश से हमारे सिटीजन्स कमा कर लाए उसमें से फॉरनर्स जो इंडिया से इनकम लेकर गए उसको माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा, और अपनी जीडीपी में हम वो जेड भी प्लस कर देंगे तो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा। स्टूडेंट्स
आई थिंक आपको जीडीपी और जीएनपी क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब मैंने आपको बताया पर कैपिटा इनकम, लेकिन क्या पर कैपिटा इनकम ये डिसाइड करने के लिए सफिशिएंट है हमारा क्राइटेरिया हर लेवल पे? ये प्रूफ करता है कि कौन सा कंट्री डेवलप है और कौन सा नहीं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने इंडियन स्टेट्स का। हेयर यू कैन सी द पर कैपिटा इनकम ऑफ 3 स्टेट्स, पंजाब, केरला एंड बिहार। पंजाब 26,000, केरला 22,800 एंड बिहार इज 5,700, जो ये डिनोट करते हैं कि पंजाब सबसे डेवलप्ड कंट्री है, सॉरी स्टेट है, केरला उससे कम डेवलप्ड है और बिहार बिल्कुल ही लीस्ट डेवलप्ड है। इस टेबल को आप ध्यान में रखिए। अब मैं आपको एक और टेबल दिखाती हूँ जो कंपैरिजन है इन्फेंट मोरालिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो के बेस पे, उन्हीं 3 स्टेट्स का जिनको हमने पिछले टेबल में डिस्कस किया है। लेकिन इस टेबल को डिस्कस करने से पहले जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनको क्लियर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन्फेंट मोरालिटी रेट। इन्फेंट मोरालिटी रेट होती है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ 1,000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में 1,000 पैदा और जिंदा बच्चों में से मरने वाले बच्चों की संख्या जो 1 साल से नीचे की या कम उम्र के थे। अब इन्फेंट मोरालिटी रेट हम निकालते कैसे हैं? मरे हुए बच्चों की संख्या बटे जिंदा बच्चों की संख्या, यानी कि उन 1,000 बच्चों में से जो जिंदा बच्चे हैं, और इनटू 1,000, तो हमारा इन्फेंट मोरालिटी रेट आ जाता है। उसके बाद है लिटरेसी रेट। 7 ईयर्स या उससे अबोव एज ग्रुप के जो लिटरेट पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शन लिटरेसी रेट कहलाता है। हियर यू कैन सी द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला कहीं यूज़ नहीं करना है, बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 6 से 10 वर्ष के जितने भी टोटल बच्चे हैं उनमें से स्कूल जाने वाले बच्चों का परसेंटेज नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाता है। आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम वापस चलते हैं अपनी। हमने एवरेज इनकम के बेस पे देखा था पंजाब सबसे डेवलप्ड है, बिहार सबसे कम डेवलप्ड है और केरला केवल डेवलप्ड है। अब यहाँ पर देखिए, पंजाब में 1,000 में से 49 बच्चे मरे, केरला में केवल 11 बच्चे मरे और बिहार में 60 बच्चे मर गए। पंजाब में 100 में से 70% पढ़े लिखे हैं और केरला में 91% पढ़े लिखे हैं और बिहार में केवल 47। उसी तरह से स्कूल जाने वाले बच्चे पंजाब में केवल 81 हैं और केरला में 91 हैं, बिहार में केवल 41 हैं। अगर हम इन सारे कंपैरिजन्स को, एस्पेक्ट्स को देखें तो हमें पता चलता है कि केरला जो है वो पंजाब से ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है। इट मीन्स पर कैपिटा इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी पूरी तरह से ये नहीं बताता है कि कौन सा कंट्री डेवलप है और कौन सा नहीं है। ये सारे एस्पेक्ट मिलकर के हमें बताएंगे कि कौन सा स्टेट डेवलप्ड है और कौन सा लेस डेवलप्ड है। और जो डेवलप्ड स्टेट्स नहीं हैं, बिहार, पंजाब, वहाँ पर जो डेथ मोरालिटी रेट, जो इन्फेंट मोरालिटी रेट है वो इतना डाउन है। और ये हम कोई ऐसे समय की बात नहीं कर रहे हैं जो आदि मानव के टाइम की बात हो। ऑलमोस्ट 71 ईयर्स हमें अपनी इंडिपेंडेंस को हो गई हैं और यहाँ पर हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और की बात करते हैं, लेकिन अपने सिटीजन्स को एक हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं जिससे कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की।
पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर आपको पता है वो सब फैसिलिटीज़ जो पूरे सोसाइटी के लिए होती हैं। यहाँ पर एक बात आप देखेंगे कि एक कोट है, योर पॉकेट मनी कैन नॉट परचेज ऑल द सर्विसेज एंड गुड्स दैट यू मे रिक्वायर टू लिव वेल। आपकी जेब में रखा हुआ पैसा आपको वो सब सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड नहीं करवा सकता है जो आपको अच्छे से जीवन जीने के लिए चाहिए। अब आप सोचेंगे ये क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कैफेज हैं, सुपरमार्केट है, बेकरी शॉप्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, रेस्टोरेंट है, बुटीक है, जहाँ पर हम पैसे खर्च करके एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। लेकिन इमेजिन करिए आप एक ऐसी सोसाइटी के बीच में रह रहे हैं जहाँ पर कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, तो क्या आप अकेले वहाँ पर स्कूल जा पाएंगे? नॉट पॉसिबल। आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहते हैं, लेकिन उस लोकेलिटी का कोई भी पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो नहीं चाहते हैं, तो आप क्या अकेले सिक्योरिटी गार्ड रख पाएंगे? और यदि आप रख भी पाएंगे तो वो आपकी जेब के लिए बहुत भारी होगा, मीन्स आपको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। और यदि पूरी कम्युनिटी उसमें इंक्लूड होती है तो आपका शेयर बहुत कम आएगा। यानी ये क्या प्रूव करता है कि यदि लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो, सोसाइटी यदि आपको सपोर्ट करेगी, तभी आपके जेब में रखा हुआ पैसा आपको वो सभी सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करवा पाएगा जो आपको चाहिए। आपकी जेब का पैसा आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकता। आपकी लोकेलिटी के लोग आपसे एग्री नहीं करते तो आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते। अब बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। बॉडी मास इंडेक्स, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में BMI बोलते हो, ये एक आपकी इस बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू बताता है। मींस आप अंडर वेट हो, आप नॉर्मल हो, आप ओवर वेट हो, आप ओबेस हो या आप एक्सट्रीमली ओबेस हो। BMI निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपका वेट रिकॉर्ड कीजिए और जितनी आपकी हाइट है मीटर्स में उसका स्क्वायर, बस डिवाइड कर दीजिए वेट को हाइट के स्क्वायर से। वेट आपका किलोग्राम में होना चाहिए और हाइट आपकी मीटर में होनी चाहिए। तो आप हाइट को डबल करके यानी उसका स्क्वायर करके उसको वेट को उससे डिवाइड करेंगे तो आपकी BMI आ जाएगी। और नीचे यहाँ वैल्यू लिखी है, यदि आपका जो वैल्यू आती है, जो BMI आती है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको अपनी हेल्थ पर कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट रिकॉर्ड। ये UNO की एक संस्था है वर्ल्ड वाइड, जो UNDP को पब्लिश करती है। UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ये UNDP लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक व्यक्ति नॉर्मली एवरेज कितने साल तक जिंदा रहेगा, कितनी हम उसकी लाइफ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके एजुकेशन उस कंट्री की और उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम, इन तीनों क्राइटेरिया, तीनों एस्पेक्ट्स को के बेस पर वो एक पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक लिस्ट तैयार करती है, जिसमें बताती है कि कौन सा कंट्री उस लिस्ट में UNDP रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहाँ पर लाई करता है। और इंडिया का की पोजीशन उसमें 136 प्लेस पर है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीन्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करें अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन उनको ओवर एक्सप्लॉयट ना करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को फुलफिल ना कर पाएं। अकॉर्डिंग टू द UN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट सेक्रीफाइसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड। हेयर यू कैन सी द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो आप बार बार यूज़ करते हैं और फिर भी उनके ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, लाइक सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो पावर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो आप एक बार यूज़ करते हैं, दोबारा उनको प्राप्त करने में कई वर्ष हमें वेट करना पड़ता है, आप उनका बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लाइक फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, कोयल, न्यूक्लियर एट्सेट्रा। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस्ट एग्जांपल है हमारा अंडरग्राउंड वाटर, जिसे हमने 1967 to 69 जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद से इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है, यानी इतनी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की है उसकी, कि वो काफ़ी नीचे चला गया है। और अभी यदि हम ऐसे ही उसका इस्तेमाल करते रहें तो धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ये जो इन्वायरमेंटल रिडक्शन हो रही है गाइस, डू नॉट रिस्पेक्ट स्टेट और नेशनल बाउंड्रीज़। ये इशू कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक नेशन या एक स्पेसिफिक रीजन तक ही लिमिट रहे, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको फेस करना पड़ेगा, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी। आवर फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू रीजन ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इकोनॉमिस्ट एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट इज पेरेनियल एट ऑल टाइम्स एंड इंडिविजुअल एज ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी वी नीड टू आस्क वेर वी डिजायर टू गो, वट वी वॉन्ट टू बिकम एंड वट आर गोल्स आर। सो एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करने से पहले आप उनको अच्छे से जांच लें, परख लें, एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपका ज्योग्राफी में भी आएगा, तो आपको इसको अच्छे से समझना होगा, तभी आप इसको आंसर को स्पेसिफिकली और क्लियरली मेंशन कर पाएंगे इन योर आंसर बुक। दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप माय वीडियोस विल हेल्प यू इन योर स्टडीज़ इवन दिस कोरोना पीरियड। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट यू कैन कमेंट मी, आई डेफिनेटली गिव यू द आंसर ऑफ योर डाउट। I am trying my best to clear your doubts. If you like my video, then share with your friends, subscribe my channel, and don't forget to press the bell button so that you will get the notification of my new video. Stay safe, stay healthy, stay home.